हिंदी टैग गुरु के सभी पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो जियो के उस लेटेस्ट फोन से जुड़ा है जिसकी चर्चा पिछले काफी टाइम से चली आ रही है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जियो का लेटेस्ट फोन 1500 रुपये में लॉन्च होने वाला था वो लॉन्च हो चुका है और आप उसको किस तरह अपने लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ रेड बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए कुछ ऐसे वीडियो देता हूँ जो आप सभी के काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, पिछले महीने जियो ने अपने एक फोन की लॉन्चिंग की थी जो कि 1500 रुपये का फोन था, और वो 1500 रुपये भी आपको 3 साल के बाद वापस मिल जाएंगे। रिलायंस जियो का वो फोन अब लॉन्चिंग के लिए तैयार है। जियो ने अपनी वेबसाइट पे इसका रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। तो चलिए सीधा मैं आपको जियो की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह अपने उस फोन को बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ jio.com ओपन कर रहा हूँ। jio.com ओपन होने के बाद देखिए होम पेज पे जियो का ये फोन आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ कीप मी पोस्टेड पे क्लिक करें। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है। मैं फिलहाल इसको रजिस्टर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा इसके फीचर्स की जानकारी दूंगा। यहाँ आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, इसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ आपको पिन कोड लिखना है, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और पिन कोड। पिन कोड लिखने के बाद सीधा सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपका ये फोन बुक हो चुका है। जब भी इसकी ओपनिंग होगी तो कंपनी की तरफ से आपको कॉल बैक आएगी। कॉल बैक आने के बाद आप इसके रिलायंस जियो सेंटर से जाके इसको ले सकते हैं। तो सीधा मैं आपको जियो के होम पेज पे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये फोन नॉर्मल फोन है, इसके द्वारा आपको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, लेकिन उस पर आप व्हाट्सएप वगैरह नहीं चला सकते। ये जियो का एक नॉर्मल फोन है। इस फोन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये टच फोन नहीं है बल्कि ये कीपैड वाला फोन है। 1500 रुपये में आपको जियो की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप ये फोन लेते हो तो आपको 1500 रुपये कंपनी को पे करने पड़ेंगे, जो कि आपको 3 साल के बाद वापसी मिल जाएंगे। यानी ये फोन आपको फ्री का पड़ जाएगा, 3 साल के बाद आपका पैसा आपको कंपनी की तरफ से वापस दे दिया जाएगा। इस फोन के द्वारा आप फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, फ्री SMS सब कुछ कर सकते हो। वही सब कुछ कर सकते हो जो अभी आप अपने जियो सिम के साथ कर रहे हो, वो सभी चीजें आप इस फोन के साथ कर सकते हो। इस फोन पे आपको 4G स्पीड में इंटरनेट भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप इसी फोन पे कर सकते हो। सुनने में आ रहा है कि इस पे हॉटस्पॉट की सुविधा नहीं है, यानी जो भी नेट चलेगा वो इसी फोन पे चलेगा। लेकिन जो लोग फोन से ज्यादा बात करते हैं उनके लिए फोन एक परफेक्ट फोन साबित होने वाला है। इस पे 24 घंटे आपको फ्री कॉलिंग मिलेगी। 24 घंटे पूरे दिन आप जी भर के इस पे कॉलिंग करिए, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो आप जल्दी से इस फोन को जियो की साइट पे आके रजिस्टर करें और इस फोन को बुक करें। अगर आप जियो की साइट पे उसको रजिस्टर नहीं करना चाहते तो आप अपने नजदीकी जियो सेंटर पे चाहे वहां जाकर भी आप इस फोन की बुकिंग कर सकते हैं। जब फोन मार्केट में आएगा तो उन्हीं लोगों की तरफ से आपके पास में कॉलिंग आएगी। कॉलिंग आने के बाद आपका फोन आपको दे दिया जाएगा। तो मेरा आज का वीडियो जियो के इस फोन से जुड़ा था। उम्मीद है आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इस जियो के फोन को अपने लिए बुक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।